अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कायदे आज़म ट्रॉफी का मैच चल रहा है, सिंध वर्सेस जनाब बलोचिस्तान, LCCA ग्राउंड में, कजाफी स्टेडियम के साथ ही है ग्राउंड और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एकेडमी है वो है ग्राउंड में। न कल ये बता रहे हैं कि बाबर भाई इधर आए थे माशाल्लाह से, और सैफी भाई ने कल ये एकेडमी में जो है ना वो ग्लव्स अपने तकसीम किए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जितने भी यहाँ पर एकेडमीज़ हैं उन बच्चों से मिले और उनको गिफ्ट भी जो है वो तकसीम किए। ऐसे ही है भाई जान? अच्छा, तो कल मूड यानी कि काफ़ी अच्छा था सैफी भाई। सैफी भाई जो टीम में इनका नाम है उस खुशी में उन्होंने काफ़ी जो है वो इंजॉयमेंट करवाई और गिफ्ट तकसीम किए हैं माशाल्लाह से। ठीक है, और बाबर भाई भी आए थे माशाल्लाह से, बाबर भाई, माम भाई जी, मावम भाई भी माशाल्लाह से। ये यहाँ के ग्राउंड में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये विकेट मैंने दो मैच देखे हैं, बड़ी ज़बरदस्त विकेट है, और यहाँ पर बॉलर को भी काफ़ी एडवांटेज और मज़ा आता है यहाँ पर मैच देखने का। तो बाकी आपको मैच भी इंशाल्लाह दिखाते हैं लाइव जो चल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जनाब ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको वो इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह आज प्लेयर से भी मुलाकात करेंगे। आए मैं आपको दिखाता हूँ मोहम्मद अली की, जो फास्ट बॉलर अभी अभी सिलेक्ट हुए हैं कौमी टीम के लिए, उनकी शानदार बॉलिंग की झलकियाँ जो उन्होंने फर्स्ट क्लास में शानदार तरीके से आउट किया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली का शानदार स्पेल जिसकी वजह से उनको कौमी टीम में सिलेक्ट किया गया, बहुत ही शानदार बॉलिंग की उन्होंने। आए देखते हैं उनकी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, और बहुत ही शानदार तरीके से ये देखें उन्होंने बोल्ड कर दिया है, ऑफ स्टंप का डंडा उड़ाया, और ये इमामुल हक को उन्होंने LB लग भी फोर आउट किया है। बहुत ही शानदार बॉलिंग स्पेल किया इन्होंने, ये देखें ये जनाब आउटसाइड एज लगा है कीपर के पास, और इस शानदार बॉलिंग की वजह से ही मोहम्मद अली को सिलेक्ट किया गया है। आबिद अली नु आउट देते ने, आउट नहीं सी एम्पायर वाल वे रही गुस्से नाल, वो नहीं जा रहा मैदान से नहीं। आबिद अली कहना मेरे नाल रुंदी मार देती आउट। अच्छा जी, मैच लगा हुआ है, शाह नवाज धानी खेल रहे हैं, उसके बाद जनाब असद शफीक साहब बैटिंग कर रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ से, और बॉलिंग जो है वो सिंध की टीम कर रही है। सरफराज जो है उनका कौमी टीम में नाम आ गया है माशाल्लाह से, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो खेलेंगे भरपूर तरीके से, उनकी इंशाल्लाह ताला वापसी होगी, उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वो भी। लेकिन जनाब अभी जो है वो मेरा ख्याल है कि मैच ख़त्म हो रहा है या ड्रिंक ब्रेक हुई है, आई थिंक।